बलकिंती एंड टुडेज वीडियो मेकअप कलेक्शन जो कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी खुशी भंडारी जी की। उन्होंने मुझे लिखा है कि प्लीज़ आप मेकअप कलेक्शन की वीडियो बनाओ। सो मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती, थोड़ा ही है तो थोड़ा ही दिखाऊंगी। एंड हाँ गाइज, आप लोग भी चाहते हैं मैं आपकी कमेंट से वीडियो बनाऊँ तो आप लोग लिख सकते हैं। मुझे एक कमेंट और आई है फ़ोटो पोज की, जो कि मैं एक दो दिन में बना दूँगी क्योंकि एक साथ मैं इतने सारे वीडियोज़ नहीं बना सकती हूँ। सो चलो दिखाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट जो मैं दिखाना चाहूँगी, यार क्या दिखाऊँ, स्पॉन्जेस दिखाती हूँ मेरे मेकअप के, जो कि ये है मेरा पिंक वाला, बहुत अच्छा है। दूसरा है ब्लू कलर का, उसके बाद ये हाफ जो आता है ना ऑरेंज है ये, उसके बाद ये है मेरा पिंक स्पॉन्ज। यार ये चार स्पॉन्ज तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये तो मुझे ये चारों स्पॉन्ज अच्छे लगते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरी लिपस्टिक्स। उसके पहले है मेरे पास ये बाबा भी क्या लिखा है बाबी, जो कि है मेबलिन की। उसके बाद है मेरे पास ये वाली जो फेशन क्या लिखा है, जो भी लिखा है इस पर और वो वाली। उसके बाद मेरे पास है ये ऑरेंज कलर की है मेरे पास, फिर है पिंक, और फिर ये वाली है। सो मेरे पास और भी है, मैं वो आपको, ये वाली भी है मेरे पास, ये मैंने ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी है। ये मेबलिन की एक और है मेरे पास। गाइस मेरे पास ये वाली भी है जो हुडा ब्यूटी की है। सारे ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं आपको सारे दिखाती हूँ। भाई ढेर देखो, भाई ढेर सारी मेरे पास इतनी कुछ है, ये देख लो भाई, इतनी है, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है मेरे पास, दो तीन को हो गई एंड शायद एक और ये रही, इसको तो हम भूल ही गए। सो चलो आगे चलते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट है मेरे पास वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरा गुलाब जल है, जो कि बस गुलाब जल है। उसके बाद है मेरे पास ये HR कंपनी की जेल काजल एंड आईलाइनर है इसके अंदर, ये देखो ये है, और छोटा सा मिनी सा ये है, और दिख रहा है कि मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ पे है। उसके बाद इसके अंदर ये है आईलाइनर। सो मुझे इसके नीचे की डिब्बी जल्द से खाली होने का इंतज़ार है, कब होएगी खाली। उसके बाद ये है मेरे पास लिप बाम, जो हम लिपस्टिक लगाने से पहले यूज़ करते हैं, थोड़ी सी है। उसके बाद मैं आपको दिखाना है, आपको दिखाना चाहूँगी ब्लू हेवन का फाउंडेशन। इसका जो अप्लायर है वो कुछ इस तरीके का है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके का है। अच्छा शेड इसका कौन सा नाम, इसका नीचे लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, 10 नंबर का है ये मेरा कलर। उसके बाद मेरे पास है कुछ नेल पेंट्स, जो कि मेरे पास है ये चॉकलेट कलर की नेल पेंट, पर्पल, ब्लैक, और फिर है पिंक। उसके बाद और भी है, ये वाली है कुछ पता नहीं कैसी है, मुझे कलर नहीं पता, शायद जो हमारी रेड आती है ना, डार्क रेड होगी ये शायद। ये है हमारी डार्क पर्पल, ये मैं हाँ मुझे याद है, ये रेड और पिंक का मिक्सचर है, निकल गया, मिक्सर नहीं मिक्सचर है ये इनका। सो मेरे पास इतनी 1 2 3 4 5 6 ही है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है, मैं लगाती नहीं यार, क्या करूँगी, बाद में घूमने जाते हैं तब लगाते हैं ड्रेस के मैचिंग का। उसके बाद है मेरे पास कुछ ब्रशेज हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, 3 बड़ी वाली ब्रशेज है मेरे पास, ये वाली मोटी है तीनों। उसके बाद ये है मेरी आई लाइन, वो जो मैं आई शेडो लगाती हूँ। उसके बाद ये मेरी आईब्रो और वो सब जो भी है उसके लिए है, और क्या बस इतना ही। और हाँ सबसे मेन चीज़, मेरे पास मेकअप किट है दो तरह के। फर्स्ट ये मेरा टेलीफोन ना, मतलब इस तरीके से खुलता है, थोड़ा सा टूट गया क्योंकि मेरा गिर गया था। ये आई शेडोज के कलर है इसके अंदर, काफ़ी अच्छे कलर है। और उसके बाद ये वाले जो ब्लश वगैरह हम करते हैं, पाउडर यानी लिपस्टिक कलर, ऐसे ही मैं यूज़ नहीं करती इनको। उसके बाद मेरे पास ये है दूसरा वाला, सो ये हार्ट शेप का है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कलर है मेरे ख्याल से, तो काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद इसको खींचने से ये पूरा ओपन हो जाता है, और ये सारे इसके कलर, ब्लश वगैरह। उसके बाद इसके अंदर एक छोटी सी ब्रश है, और ये 4 लिपस्टिक कलर है। उसके बाद यार दिख रही हूँ क्या मैं, उसके बाद ये मेरा फ़ोन, ये थोड़ा कांच गंदा है, दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये है मेरा सिंपल सा आईलाइनर,
जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो कैसी लगी आपको? मेरे पास तो इतना ही मेकअप का सामान था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नहीं लगी तो भी कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। और मैं रिंग लाइट लाने ही वाली हूँ। एंड हाँ गाइस, आपको स्टूडियो मेरा स्टूडियो टूर देखना है यूट्यूब का, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।